फालूदा चिकन कबाब। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका इरफान और शबाना के ब्लॉग में। तो आज दूसरी रेसिपी बना रही हूँ, वो है रशियन कबाब और फालूदा। फालूदा इसका कबाब बहुत फेमस है, रशियन कबाब बहुत फेमस है। हमेशा हमें पूरे रमजान यही खाते हैं और रमजान बाद भी। रमजान बाद खाते हैं, अभी बता ली थी इसकी रेसिपी, लेकिन अभी रमजान आ रही तो मैंने एक बार फिर वापस से रिपीट कर दूंगी। क्यों बच्चे अभी तीन चार दिन पहले की बात है ना, जो गाँव में लोगों ने जब बनाए थे उस टाइम मैंने बोला था कि तुम लोग जो कबाब बनाए ले एक बार तुम शब के हाथ का खा के देखो, याद है? बोला हम लोग को बनाना है, लेकिन हम लोग टाइम ही नहीं मिला हम लोग को, है ना। तो इसलिए हम लोग चले आए वहाँ से, क्योंकि रमजान चालू होने वाली थी तो इसलिए हम लोग आ गए, तो और रुकने का उधर इरादा था। इंशाल्लाह जाएंगे बकरीद के बाद, फिर बनाएंगे, है ना। अभी वो गोश्त जब रहेगा ना बकरीद का तो उसका बनाएंगे। तो अभी क्या है कबाब ना, रशियन कबाब। रशियन कबाब की रेसिपी चालू कर रहे हो, क्या क्या डालते हैं, क्या बनाते हैं, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। वो चालू हो चुका है रेसिपी, उसे पूरा सजा के रख दी उसने शब ने। अब क्या क्या किसमें क्या मिलाएगी वो ही बताएगी, मैं तो नहीं बता सकता, वो खुद बताएगी। और आप लोग बराबर ध्यान से देखो, इंशाल्लाह बनाओ उसको और रमजान में खाओ और हम लोग को दुआ दो। तो शब किसमें क्या क्या मिला रही सब बता। सबसे पहले चिकन को मैंने ना बॉईल करके इसका रेशे मतलब सब मिक्सर में पीस डाली मैंने, तो अच्छा रेशे हो गए इसके। अब इसके अंदर जाएगा आलू, इसमें जो पाव किलो मुर्गी है तो उसमें दो तीन आलू मैंने बॉईल करके मैश कर ली हूँ। और उसमें वेजिटेबल्स में जाएगा गोभी, गाजर और शिमला मिर्च, इसको भी चॉप कर ली मैंने। और इसमें मसाले जाएंगे अदरक लहसुन, लाल कुटी हुई मिर्ची, हरी मिर्ची, नमक और काली मिर्च। और ये मैदे का आटा है, इसका भी मैं बना रही हूँ, स्टार्ट करती हूँ। देखो पहले अपन डालेंगे मैदा, मैदे को थोड़ा सा ना सोटे करेंगे तेल डाल के। इसके अंदर जाएगा थोड़ा अदरक लहसुन, थोड़ा अच्छा अच्छा सोटे करके रवा बना रही है। नहीं पापा, ये अदरक लहसुन इसमें डालने के बाद अच्छा तो खुशबू आ जाएगी ना। फिर इसके अंदर अपन डालेंगे तरकारी, थोड़ी तरकारी आएंगे सब वेजिटेबल्स ना ये सब डाल देंगे। वेजिटेबल को थोड़ा पकाने का कच्चापन थोड़ा निकालने का, जरा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा कच्ची पक्की रहेगी ना अच्छी लगती है। तो ऐसा लग रहा मोतियाँ नहीं, हरी पीली लाल सब मोती। वैसे उसमें अभी पूरे रमजान के अंदर सब यही सब जाएगा, ये तीन चीज़ ज़्यादा लगती है, गोभी, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च और गाजर तो हर चीज़ में लगता है, सब में डालना पड़ता है, शिमला मिर्च ज़्यादा ही लगती है। ये थोड़ा होने के बाद इसमें सब मसाले जाएंगे, कुटीली लाल मिर्ची, थोड़ी हरी मिर्ची, नमक और काली मिर्च। तो बहुत कम मसाले जाते हैं, ज़्यादा नहीं जाते। अभी ये डायरेक्ट अभी ये जाएगा पेट में तुम्हारे। नहीं नहीं नहीं, मैं चिकन की बात कर रहा हूँ। चिकन डाले ना अभी, वही बोल रहा हूँ। अभी ये सब होने के बाद चिकन का पीस दिए थे ना मैंने, इसको मिक्स, हाँ अच्छा लगता है इससे मिक्सर में। तो बताई तूने, बोली ना मैंने मिक्सर में मैंने शेड कर ली, हाथ से भी कर सकते हैं लेकिन अभी टाइम नहीं था, हाथ में भी हाथ दुखेगा है ना, इसके लिए मिक्सर में करो शॉर्टकट। यस, ये डालने के बाद मिक्सर की धार खराब हो जाए। इसमें आलू, बस सब मिल गया, अच्छा मिक्स, रिश्तेदार मिल गया, खानदान बाकी है, ये सबको अच्छा मिक्स कर लेंगे। ये हाथ से नहीं करते थे गरम गरम में? हाँ हाथ से करने का, हाथ जल जाएंगे, ऐसे भी गरम गरम बाहर निकालने का थोड़ेगा। अंदर मिला दिए थे उसमें, तो वो लोग बोल रहे कि हमको बाहर निकालो कटोरी में ले लो, तो ठंडक में अभी बहुत गर्म हो रहा है कि हम लोग को ठंडक में ले लो, तो शायद इसको ठंडक में ले रही है। अभी माशाल्लाह बन गया, अभी इसको ठंडा करेंगे, है ना। यस, इधर की तब रिश्ता बन के निकल जाता है ना, नॉन स्टिक तवे में यही फायदा है। अरे बोलते हैं नॉन स्टिक लो, लो माशाल्लाह कुछ भी चिका नहीं, अभी तो उसमें बनाओ पूरा चिपक जाना था तपेली के अंदर। अब इसको ठंडा करेंगे, देखो तो धुआं निकल रहा है, ठंडा करके फिर इसके पेटीज बनाएंगे, फिर इसको अंडे में डुबा के ब्रेड क्रम्स में लपेट के फ्राई करेंगे। खुशबू अभी से आ रही है, हां तो आएगी ना इसमें,
सब वेजिटेबल से। इधर रमजान में अच्छा ये सब खाने मिलता है, तो आड़े दिन रमजान में कौन आड़े दिन कोई बनाता नहीं जल्दी। रमजान में सबको शौक चढ़ता है खाने का। ऐसे बहुत से जान होते जो पहले से बना के सब रख देते हैं इबादत करने के लिए, ये सब हो जाता है इंशाल्लाह। इबादत भी हो जाती है साथ में थोड़ी थोड़ी, और ये भी रहती है। माशाल्लाह हम लोग नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते, सब पढ़ते हैं, लेकिन कि 15-20 मिनट की वीडियो रहती है, लेकिन हम लोग दिखाते ही नहीं है ना। जो करना चाहिए हमारा जो फर्ज है हम पूरा कर लेते हैं, ये तो एक साइड का है जो हम लोग साइड में बना लेते हैं, है ना। 15-20 मिनट की वीडियो रहती है, इतनी कोई बड़ी वीडियो नहीं बनाते हम लोग, पूरा अखा दिन हम लोग कैमरे के सामने खड़े रहते हैं। उसके बाद बंदे के बाद में इबादत भी होती है, नमाजें भी होती है, फिर वो दिखाएंगे तो क्या बोलेंगे, तो वही लोग सब दिखावा कर रहे, ये भी दिखा रहे वो भी दिखा रहे, वो हिसाब से जो चीज़ है वही दिखाते हैं, बाद में जो हमारा काम है वो कर लेते हैं। तो कटलेट गोल करके रख दी शेफ ने, फालूजा की तैयारी कर रही है। तो फालूजा कैसा पहले लेने का, छलनी में धोने का, आप लोग को बताती हूँ क्या करने का शेफ। क्योंकि ना फालूदे में ना लोग ना खुद के वहाँ का पानी रहता है ना, कैसा पानी हो क्या मालूम, तो मैं लाके ना पानी यहाँ पे छलनी में ना निकाल लेती हूँ, और अपने ना साफ फिल्टर पानी से ना थोड़ा धो लेती इसको, थोड़ा पानी चेंज हो जाएगा अपना, नए फिल्टर पानी है पूरा सुनी था ना। अभी इसके अंदर अपना ये फिल्टर पानी है ना, ऐसा गंदा पानी सब निकल जाएगा। और ये क्या कर दी, कटलेट बना दिए, बोल के था देखो माशाल्लाह मेरे कटलेट बन के रेडी हो गए। और ये फालूदा, ये फालूदा अभी फालूदा की तैयारी कर रही है ना, बाद में फ्राई करूंगी तो फिर बताती हूं। फालूदा धो के उसने रख दी, अभी ये क्या कर रही है अभी। एक लीटर दूध ली हूँ, दूध को बॉईल करके ठंडा करके फ्रिज में रख दी, तुमने ठंडा करे वो रख दिया। अभी इसके अंदर अपन डालेंगे रूअफ़ज़ा, हम लोग ना ऐसा फालूदा पीते हैं, हमारे बच्चे लोग को हम लोग को सबको ना ऐसे ही पसंद है। दूसरा आइसक्रीम वाला सब बनाते हो इंशाल्लाह, बाद में एक बार ट्राई करूँगी जब बच्चे लोग नहीं रहेंगे, इफू को बना के दूँगी। अभी गाय गाय में मजा नहीं आता ना, कुछ भी देंगे ना बेचारा सब खा लेते, ये ना फालूदा के तो पी लेंगे, पी भी लेते हैं खा भी लेते, कुछ भी देंगे बना के, तो उनको सब अच्छा लगता है टेस्ट ये अंदर। अभी ये फालूदा का कलर देखो कैसा मस्त हो गया, हाथ अरे हाँ अभी तो तुम्हारे सामने तो हॉले धोई, अभी नहीं निकलेगा तो हाथ से निकालना पड़ेगा ना, इसको सब चिपक गया देखो अंदर, मेरे को चलेगा ना, वो लोग को चलेगा कि नहीं वो नहीं मालूम, सबको चलता है, सब चीजें वेस्ट नहीं करने का, पूरा देख के करने का। अब ये देखो ये मस्त हो गया, अब इसके अंदर अपन ये हॉले हॉले डाल दें, इसमें हम लोग व्हाइट कलर लेते हैं, हम लोग वो कलर वाले कलर वाला पसंद नहीं है ना बच्चों को, पूरे लाल गुलाबी गुलाबी, अब ये रूअफ़ज़ा कलर फिर चेंज हो जाता है एकदम। हमारा फालूदा अभी इसे ठंडा करने फ्रिज में रख दीजिए एकदम चीज, अभी निकालने के लिए वीडियो तो मैं बैठे बैठे ना ऐसा एक हाथ ली और एक हाथ से करने गई ना, तो मेरी उंगली आ रही है, अकेली में कैसी वीडियो निकालूंगी, तो ये इसकी कोटिंग मैं तेरे भी मैं बोल चुकी हूँ समझे ना। कोटिंग करने का अपने को तलने से पहले रेडी करके रख देंगे तो फटाफट अपन फ्राई करेंगे। तो दो अंडे ली हूँ मैंने, और ये ब्रेड क्रम से ऐसा अंडे में डुबाने का, अंडे से डिप करके फिर बाद में इसमें इसको भी दूल्हा बनाने का इसमें कोटिंग करके रख के इसको अपन को सैलो फ्राई करने का, अपने को डीप फ्राई नहीं करने का इसको, मतलब कम तेल के अंदर इसको करने का। क्या बोले, हाँ बच्चे का अंडा, अंडा बच्चे का तो तुम्हारे और सुफियान के लिए थोड़ा अंडा बना दूंगी, ये भाई लोग दोनों को अंडे ना बहुत पसंद है, हद से ज्यादा अंडे पसंद को? तुम लोग दोनों को अंडे, तो हम लोग क्यों अंडे को खाना नहीं देंगे, अंडे हमारे अंदर अंडे है, जब हम लोग खाते तो हो जाते ठंडे है, शहरी में भी अंडे खाए तुम लोगों ने दोनों ने, तो चलो हो गया ये, अभी जैसा बनेगा वैसे आप लोग को जो जब वो डीप करेगी ना तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, है ना, थोड़ी बहुत आती है ये, ये। पूरी तैयारी हो चुकी है फ्राई पैन में जाने को, कटलेट तैयार है और तेल भी उबल के बोल रहे कि लाओ 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 रशिया कबाब लाओ लाओ, तो ये देखो तुमने बोले भड़क गया देखो, बोल रहा ना रशियन कबाब है, हमारे अब इसके अंदर ना मैं ये देखो ना ये जमता है जो प्लास्टिक का ना नहीं जमता है, इसके लिए भी ये क्या डाल रही है ये चम्मच अच्छा। बोले से पहले तू ही बोल दी, अरे नया चम्मच लिए क्यों तुमने, अरे वो प्लास्टिक का नहीं जमता है, मतलब इसमें इसमें नहीं जमता है, वो खाने में जमता है, तो इसमें भी तो यूज करो, हम लोग भी इसी में यूज कर ले प्लास्टिक वाले में, पलटता नहीं मैं ऊपर ऊपर पलटाती हूँ ना तो अच्छा रहता है, आगे से पतला भी है ना तो फट से उड़ जाता है, है ना, ऐसा बता तू, और कड़क भी है, ये नरम है,
नरम नरम हाँ इसमें टूट सकता है, टूट जाने लगता भी नहीं है ना, टूट भी जाते हैं, नहीं जमता है। चलो ठीक है, ये भी है लेकिन ये भी नहीं जमेगा, ये अच्छा है इसके लिए। तो फालूदा और कटलेट तैयार हो चुके हैं, अभी इस तारीख के टाइम पे ये जा रहा उस साइड और शब्द किसी लेके खड़ी है। वाली पहले दिखा दूं बच्चों को, देखो माशाल्लाह ये मेरा इफ्तारी का रेडी हो गया है, आप लोग ट्राई करो, अच्छा बनेगा, बहुत फर्स्ट क्लास बनेगा। और इफ्तारी में सबको गरम गरम करना, अगर टाइम लगेगा इफ्तारी का वैसे फटाफट तल लेना, हो जाएगा शैलो फ्राई लगा ला तो फटाफट फटाफट हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो जरिए एंड करता हूँ, आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन बटन दबाओ, नहीं दबे फिर भी दबाओ, टिंग टांग।